तो ब्लैक एडम और सुपरमैन दोनों ही डीसी यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग्स हैं, क्योंकि जहां ब्लैक एडम के पास 6 इजिप्शियन गॉड्स की पावर्स हैं, वहीं पर सुपरमैन का पावर लेवल भी इतना ज्यादा है कि उसकी पावर्स को एक गॉड से कंपेयर किया जा सकता है। लेकिन इन दोनों कैरेक्टर्स के इतना ज्यादा ओवर पावर होने की वजह से सुपर हीरो फैंस के बीच ये कंफ्यूजन बना ही रहता है कि सुपरमैन और ब्लैक एडम में से ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर कौन सा है। तो अगर आप भी इस बारे में सोच रहे हैं तो आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम ब्लैक एडम और सुपरमैन के बीच एक फाइट कंपैरिजन करने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। तो आज की ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा लेना, ताकि आपको हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही अगर आप लोग ब्लैक एडम का बैटल कंपैरिजन शज़ाम और थॉर के साथ देखना चाहते हैं तो आप हमारी ब्लैक एडम वर्सेस शज़ाम वर्सेस थॉर वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए अब बिना किसी देरी के आज के इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Zombie apocalypse. तो ब्लैक एडम और सुपरमैन के फाइट कंपैरिजन को देखने से पहले हम इन दोनों की ओरिजिन और पावर्स एंड एबिलिटीज को जान लेते हैं, ताकि हम इनके फाइट कंपैरिजन को अच्छे से समझ सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं ब्लैक एडम से। ओरिजिन एंड पावर्स ऑफ ब्लैक एडम। तो ब्लैक एडम का रियल नेम टेथ एडम है, जो कि हजारों साल पहले खानदाक नाम के शहर के अंदर एक्टॉन का गुलाम होता है, और ये एक्टॉन टेथ एडम की पूरी फैमिली को खत्म कर देता है। लेकिन टेथ एडम का बेटा जिसका नाम हुरूर होता है, वो मरने से पहले अपने 6 गॉड्स की सारी पावर्स को अपने फादर टेथ एडम को दे देता है, जो पावर्स उसे रॉक ऑफ इटर्निटी के विजार्ड से मिली होती है। और फिर अपने बेटे से 6 इजिप्शियन गॉड्स की पावर्स को हासिल करने के बाद टेथ एडम बनता है ब्लैक एडम, जिसके बाद ब्लैक एडम अपनी वाइफ और अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए एक्टॉन को जान से मार देता है। बात करें ब्लैक एडम की पावर्स की, तो ब्लैक एडम के पास 6 इजिप्शियन गॉड्स की पावर्स हैं, जो कि है शू का स्टेमिना, हेरो की स्पीड, एमोन की स्ट्रेंथ, जेहुती का विजडम, एटोन की पावर और मेंथू का करेज। यानी कि ब्लैक एडम के पास भी वो सारी पावर्स हैं जो कि अब तक हमने शज़ाम के पास देखी है। बस फर्क सिर्फ इतना ही है कि शज़ाम की पावर्स का सोर्स ग्रीक गॉड्स हैं और वहीं ब्लैक एडम की पावर्स का सोर्स इजिप्शियन गॉड्स हैं। ब्लैक एडम इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि उस पर चाहे कितने भी पावरफुल अटैक्स किए जाएं, ब्लैक एडम को उन अटैक्स से कुछ भी नहीं होता है। ना तो ब्लैक एडम को स्पीडिंग ट्रक की टक्कर से कुछ होता है और ना ही किसी बॉम्ब के एक्सप्लोजन से। ब्लैक एडम की पूरी बॉडी वर्चुअली इंडिस्ट्रक्टेबल है, इसीलिए दुनिया की एडवांस से एडवांस गन्स की बुलेट्स भी ब्लैक एडम का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और यही नहीं बल्कि डॉक्टर फेट, जो कि डीसी यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल मैजिशियंस में से एक है, उनकी पावरफुल से पावरफुल लाइटनिंग अटैक्स का भी ब्लैक एडम के ऊपर कोई असर नहीं होता। यहाँ तक कि डीसी कॉमिक्स के अंदर जब डॉक्टर फेट ब्लैक एडम के ऊपर अपना अब तक का सबसे पावरफुल लाइटनिंग अटैक करते हैं, तब उससे भी ब्लैक एडम का बाल भी बाका नहीं होता। और इस अटैक को देखकर ब्लैक एडम डॉक्टर फेट के ऊपर हंसने लगता है। ब्लैक एडम का स्ट्रेंथ भी इतना ज्यादा है कि वो हजारों टन भारी एयरक्राफ्ट कैरियर को एक बॉल की तरह उठाकर फेंक चुका है, एक प्लेनेट से भी बड़े एस्टेरॉयड को अपने सिर्फ एक ही पंच में तोड़ चुका है, और डीसी के पावरफुल कैरेक्टर टेरा मैन को बीच से फाड़कर अलग कर चुका है। इनके अलावा ब्लैक एडम स्पीड के मामले में स्पीड ऑफ लाइट से रन कर चुका है, एक थंडर क्लैप मारकर एक पूरे शहर की बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर चुका है, और तो और ब्लैक एडम एक बार अपनी मैजिकल लाइटनिंग पावर्स को यूज करके एटम स्मैशर को फिर से जिंदा भी कर चुका है। कॉमिक्स में एक बार जब ब्लैक एडम से शज़ाम फाइट करने आया था, तब ब्लैक एडम ने शज़ाम के हाथ को पकड़कर उसे डिसलोकेट कर दिया था, और फिर जब उसने अपनी पूरी शज़ाम फैमिली के साथ मिलकर ब्लैक एडम पर अटैक किया था, तब ब्लैक एडम ने शज़ाम के साथ साथ उसकी पूरी फैमिली को भी हरा दिया था। इसके साथ ही डीसी कॉमिक्स के अंदर ब्लैक एडम टीन टाइटंस और जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका जैसी कई सुपर हीरो टीम्स को अकेले हरा चुका है। और अगर बात करें ब्लैक एडम की लाइव एक्शन मूवी की, तो ब्लैक एडम की मूवी के अंदर भी हमने देखा है कि कैसे ब्लैक एडम ने जस्टिस सोसाइटी की पूरी टीम को अकेले हरा दिया था, और फिर मूवी की एंड सीन में ब्लैक एडम ने सबाक को भी दो हिस्सों में फाड़कर अलग कर दिया था। और अगर आपको सबाक की पावर्स का अंदाजा नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ब्लैक एडम के पास 6 इजिप्शियन गॉड्स की पावर्स हैं, उसी तरह से सबाक के पास 6 डीमंस की पावर्स हैं, और ये पावर्स सबाक को लगभग ब्लैक एडम जितना पावरफुल बनाती है। वैसे इन सारी पावर्स से हटकर ब्लैक एडम की एक मेजर वीकनेस भी है, और कॉमिक्स के अंदर ब्लैक एडम की ये वीकनेस है ब्लैक एडम का शज़ाम बोलना। क्योंकि कॉमिक्स के अंदर जब जब ब्लैक एडम ने शज़ाम बोला है, तब वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ गया है, और क्योंकि उसका नॉर्मल फॉर्म हजारों सालों से जिंदा था, इसीलिए एक बार नॉर्मल होते ही ब्लैक एडम मर जाता है। लेकिन अगर बात करें ब्लैक एडम की लाइव एक्शन मूवी की, तो मूवी के अंदर ब्लैक एडम की ऐसी कोई भी वीकनेस नहीं है। वो जब चाहे और जितनी बार चाहे अपने नॉर्मल फॉर्म में आ सकता है, और वो बूढ़ा होकर मरता भी नहीं है। लेकिन मूवी के अंदर ब्लैक एडम की एक दूसरी वीकनेस है, और वो है इटर्नियम। इटर्नियम एक ऐसा रेयर मटेरियल है जो कि सिर्फ खानदाक शहर के अंदर मिलता है, और इटर्नियम के कॉन्टेक्ट में आने पर ब्लैक एडम काफी कमजोर पड़ जाता है। तो यही सारी ब्लैक एडम की पावर्स थी। अब ब्लैक एडम की पावर्स के बारे में जानने के बाद आइए अब सुपरमैन की पावर्स की बात करते हैं।
ओरिजिन एंड पावर्स ऑफ सुपरमैन। तो अब बात करें सुपरमैन की, तो सुपरमैन डीसी यूनिवर्स का एक बहुत ही पावरफुल सुपर हीरो है जो कि क्रिप्टॉन नाम के एक प्लेनेट से बिलोंग करता है। लेकिन क्योंकि सुपरमैन का प्लेनेट बर्बाद हो चुका होता है, इसीलिए सुपरमैन का फादर सुपरमैन को क्रिप्टॉन से सीधा प्लेनेट अर्थ पर भेज देता है, जिसके बाद सुपरमैन अर्थ पर रहकर ही बड़ा होता है और हर खतरे से अर्थ के लोगों को प्रोटेक्ट करता है। बात करें सुपरमैन की पावर्स की, तो सुपरमैन की बेसिक पावर्स हैं सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, सुपर स्टेमिना, एडवांस रिफ्लेक्सेस, हीट विजन और फ्लाइट। सुपरमैन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये इनफिनाइट वेट को लिफ्ट कर सकता है। डीसी कॉमिक्स के अंदर एक बार सुपरमैन ने इतना हैवी बेंच प्रेस लिफ्ट किया था जिसका टोटल वेट अर्थ प्लेनेट के बराबर था और सुपरमैन ने उस वेट को 5 दिनों तक उठाकर रखा था। इसके साथ ही सुपरमैन की पावर्स उसकी एज के साथ बढ़ती है, इसीलिए सुपरमैन जितना एज में बड़ा होगा उसकी पावर्स उतनी ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी। बात की जाए सुपरमैन की स्पीड की, तो सुपरमैन गन्स की बुलेट से भी तेज फ्लाई कर सकता है और तो और सुपरमैन अपनी आंखों से हीट विजन भी फायर कर सकता है। सुपरमैन किसी चीज के आर पार भी देख सकता है, बहुत दूर से आ रही साउंड को भी साफ सुन सकता है, पानी के अंदर भी सांस ले सकता है और तो और सुपरमैन स्पेस के अंदर बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकता है। इनके अलावा सुपरमैन सुपर ब्रेथ भी यूज कर सकता है जिसमें वो अपनी एक ही ब्रेथ से सब कुछ जमा सकता है। सुपरमैन इतना पावरफुल है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब के ब्लास्ट को भी बड़े आराम से सर्वाइव कर सकता है और तो और अगर सुपरमैन चाहे तो वो सूरज के भी आर पार जा सकता है। और डीसी कॉमिक्स के अंदर सुपरमैन ने ऐसा किया भी है। सुपरमैन कोई गॉड तो नहीं है लेकिन उसकी पावर्स किसी गॉड से कम भी नहीं है। सुपरमैन की पावर्स लिमिटलेस है और अपनी इन लिमिटलेस पावर्स के साथ सुपरमैन पूरी जस्टिस लीग टीम को अकेले हरा चुका है, वो भी सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार। इनके अलावा सुपरमैन एक बार अपने फिजिकल स्ट्रेंथ के दम पर एक प्लेनेट को पुश कर चुका है और एक बार तो 6th डायमेंशन के मोस्ट पावरफुल बींग्स को भी सुपरमैन बिना ज्यादा एफर्ट के हरा चुका है। पर इन्हीं सारी पावर्स के साथ सुपरमैन की एक मेजर वीकनेस भी है और वो वीकनेस है क्रिप्टोनाइट। क्रिप्टोनाइट एक ऐसा खास मेटल है जो कि सुपरमैन के प्लेनेट क्रिप्टोन पर मिलता है और ये क्रिप्टोनाइट सुपरमैन की वीकनेस इसीलिए है क्योंकि इसके कॉन्टेक्ट में आते ही सुपरमैन बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, जिसके बाद सुपरमैन का पावर लेवल सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन जैसे ही रह जाता है। तो यही सारी सुपरमैन की पावर्स और वीकनेस थी। अब ब्लैक एडम और सुपरमैन दोनों की पावर्स को जानने के बाद आइए अब इनके बैटल की बात करते हैं और जानते हैं कि इन दोनों कैरेक्टर्स में से ज्यादा पावरफुल कौन है। तो ब्लैक एडम और सुपरमैन दोनों ही बहुत पावरफुल है और इन दोनों की पावर्स गॉड लेवल है। और वैसे तो इन दोनों की एक मेजर वीकनेस है जो कि है सुपरमैन का क्रिप्टोनाइट और ब्लैक एडम का इटर्नियम, क्योंकि ये दोनों ही इन मेटल्स के आगे बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि हम इन दोनों का फाइट कंपैरिजन इनके पावर लेवल्स पर कर रहे हैं, इसीलिए हम इन दोनों की वीकनेस को साइड कर रहे हैं और ये मानकर चल रहे हैं कि इस बैटल के अंदर ना तो इटर्नियम का यूज होगा और ना ही क्रिप्टोनाइट का। तो अब इन दोनों के फाइट कंपैरिजन की बात करें तो लाइव एक्शन मूवीज में तो इन दोनों का बैटल नहीं हुआ है, लेकिन डीसी की कॉमिक बुक यूनिवर्स के अंदर ब्लैक एडम और सुपरमैन अब तक कई बार लड़ चुके हैं और आज के इस फाइट कंपैरिजन के विनर का पता हम डीसी कॉमिक्स को देखकर ही लगाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि डीसी कॉमिक्स के अंदर ब्लैक एडम और सुपरमैन कई बार फाइट कर चुके हैं और जब भी इन दोनों का सामना हुआ है तब हर बार ब्लैक एडम ने सुपरमैन को जान से मारने की कोशिश की है और ऐसा करने के लिए उसने अपनी पूरी पावर्स को यूज किया है। लेकिन वही सुपरमैन ने ब्लैक एडम से फाइट करते वक्त सिर्फ उसे रोकने की कोशिश की है और इसीलिए उसने ब्लैक एडम से लड़ते वक्त कभी भी अपनी पूरी पावर्स को यूज ही नहीं किया है। इसीलिए आप सुपरमैन को ब्लैक एडम से ज्यादा पावरफुल बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक क्लियर आंसर चाहिए कि ब्लैक एडम और सुपरमैन में से कौन ज्यादा पावरफुल है, तो डीसी कॉमिक्स में हमें इसका क्लियर आंसर भी मिलता है। डीसी कॉमिक्स के एक अल्टरनेट यूनिवर्स के अंदर क्राइम सिंडिकेट नाम से सुपर विलन्स की एक ऐसी टीम एग्जिस्ट करती है जो कि मेन डीसी यूनिवर्स के जस्टिस लीग से बिल्कुल उल्टी है और उसके टीम मेंबर्स भी जस्टिस लीग के मेंबर्स के बिल्कुल ऑपोजिट है। इसीलिए क्राइम सिंडिकेट के अंदर सुपरमैन का एक ईवल वर्जन भी है जिसका नाम है अल्ट्रामैन और ये अल्ट्रामैन ब्लैक एडम से फाइट कर चुका है और जब इन दोनों की फाइट होती है तब उस फाइट के अंदर अल्ट्रामैन ब्लैक एडम को बहुत बुरी तरह से मारता है और वो अपने एक ही हाथ से ब्लैक एडम के मुंह को दबाकर उसके सारे दांत तोड़ देता है। लेकिन फिर आगे चलकर जब अल्ट्रामैन का सामना सुपरमैन से होता है तब सुपरमैन अल्ट्रामैन को बहुत बुरी तरह से मारता है जिससे अल्ट्रामैन सुपरमैन से हार जाता है और इसीलिए इससे ये क्लियर हो जाता है कि अल्ट्रामैन ब्लैक एडम से ज्यादा पावरफुल है और सुपरमैन अल्ट्रामैन से ज्यादा पावरफुल है। और इसका सीधा सा मतलब यही है कि सुपरमैन ब्लैक एडम से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए अगर सुपरमैन ब्लैक एडम से लड़ते वक्त अपनी पूरी पावर्स को फुल पोटेंशियल पर यूज करे तो वो ब्लैक एडम को हरा सकता है। कंक्लूजन, सुपरमैन विंस। तो यही ब्लैक एडम और सुपरमैन के फाइट कंपैरिजन के ऊपर एक वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। और जैसा कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारी ब्लैक एडम वर्सेस शज़ाम वर्सेस थॉर वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को यूज करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उस वीडियो को अब तक 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं और वो वीडियो सभी को काफी पसंद आ रही है, इसीलिए मैं श्योर हूँ कि वो वीडियो आपको भी काफी पसंद आएगी। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उस वीडियो को जरूर देखें। और इसके अलावा अगर आप
लोग ब्लैक एडम मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हमने ब्लैक एडम की मूवी को एक वीडियो के अंदर डिटेल से कवर कर रखा है, जिसमें हमने ब्लैक एडम मूवी की स्टोरी और उसकी एंडिंग को एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको ब्लैक एडम मूवी की स्टोरी जानने में इंटरेस्ट हो तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। मैंने सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।